प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में विरोध मिल की चाल में दूसरे दिन भी कार्यवाही चलती रही। रहवासियों ने खुद अपने आशियाने तोड़े। विनोद मिल की चाल में दूसरे दिन भी सुबह से ही प्रशासनिक अमला मुस्तैद हुआ और विनोद मिल की चाल के रहवासियों से शीघ्र अपने मकान खाली करने की अपील की, जिसमें रहवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर अपने हाथ से अपने आशियाने तोड़ने आरंभ कर दिए। लेकिन रहवासियों के लिए अभी भी शासन प्रशासन की तरफ से रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है और उनके ऊपर अपने बीवी बच्चे व सामान कहां ले जाएं यह समस्या बनी हुई है। इस विषय पर जब मीडिया कर्मियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी मांगी तो एडीएम संतोष टेगू ने जानकारी देते बताया कि विनोद मिल की चाल को खाली करवाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी को लेकर कार्यवाही चल रही है। रहवासी अपनी इच्छा से अपने घर खाली कर जा रहे हैं और जिस भी रहवासियों को रहने के लिए स्थान चाहिए उनके लिए प्रशासन की ओर से 4 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। जिन्हें भी रहने के लिए मकान चाहिए वह हम लोगों से संपर्क कर जहां पर स्थान आवंटित किए गए हैं वहां पर जाकर रह सकता है। वहीं एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स व अन्य फोर्स को विनोद मिल की चाल में लगाया गया है ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। जो कार्रवाई कल हम लोगों ने चालू की थी उसमें सभी रहवासियों का सहयोग जैसे कल भी हमें मिला था वैसे आज भी मिल रहा है, तो सभी लोग अपना अपना सामान अपने अपने जो रहवासी स्थल उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ लेके जा रहे हैं। जहाँ पर कुछ लोगों के पास रहवास स्थल नहीं है तो जो हम लोगों ने EWS और LIG के जो मकान आइडेंटिफाई किए वो पता इन लोगों को बता रहे हैं ताकि वो जाके देख ले, जिनको उचित लग रहा है तो वो भी हम लोग उनको अलॉटमेंट कर कार्रवाई कर रहे हैं। सामान शिफ्टिंग जिन लोगों की संभव नहीं हो पा रही तो गाड़ियों की व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे ताकि सामान शिफ्टिंग में भी उनकी मदद मिल सके। आज लगभग पूरा दिन लग चलने कार्रवाई संभावना है। अब वो कोई ऐसी विधि विपरीत कोई एक्टिविटी किसी ने की है उस चीज़ को हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उसमें नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए इसमें एक QRF की कंपनी लगी हुई है, इसके अलावा तो जो सभी थानों से बल लगाया तो 100 से ऊपर पुलिस वाले इस पूरे व्यवस्था में लगे। सर किस तरह की कार्रवाई है? जो भी प्रशासन का निर्णय है, जो चाल खाली करवाने का जो निर्णय है उसी के तारम तरम में जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है कानून व्यवस्था को बरकरार। सर कल एक व्यक्ति ने उसके लिए हॉस्पिटल से हमें सूचना मिली थी, तत्काल उसको जो है डॉक्टर है उनको उन्होंने अटेंड किया था उसकी हालत, उसके बाद फिर उसमें तहसीलदार जो है उनका ये बयान करवाया गया था तो और अभी उसकी हालत जो है खतरे से बाहर।